ये लॉबी है, लॉबी में अटैच है किचन से, काफी जो है बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, काफी अच्छा लगता है। Hey guys, welcome back to my vlog channel, guys. आज फाइनल होम टूर देने वाला हूँ guys. 95% काम पूरा हो गया गाइज, बस आज आपको होम टूर देने की तैयारी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से आप मांग रहे थे हमारी वीडियो होम टूर की, फाइनल होम टूर की, तो वो दिन आज आ गया। आ जाओ, लेट्स अभी आप सिनेमैटिक्स को एंजॉय। I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. Shawty, where you wanna go, 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 go. दो गेट हमने लगवाया है यहाँ पे, जो है ये मिनी गेट है हमारा, और यहाँ पे जो है छोटा सा एरिया है, इधर बड़ा गेट है, यहाँ पे फोर व्हीलर वगैरह की एंट्री के लिए है, ये मिनी गेट है जो अपने आने जाने के लिए है, छोटा सा गेट है। आ जाओ गाइस, यहाँ से मेरा एंट्रेंस है, और यहाँ पे एंट्रेंस पे ही मैंने एक छोटा सा पार्क बनवाया, जो कि आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि यहाँ पे एक पार्क बनवाने वाले हैं, जो कि फाइनली बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे घास भी अच्छी खासी आ चुकी है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने जो है वो वॉल को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे वॉल्स लाइट लगाई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी लाइट्स लग रही है, रात में काफी अच्छी लगती है लाइटें हमें, और बहुत प्यारा छोटा सा ही गार्डन है, बहुत छोटा गार्डन है बट अच्छा है बैठने उठने के लिए। यहाँ पे सुबह सुबह बैठ के योगा वगैरह कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए बहुत प्यारा छोटा मैंने गार्डन बनाया है। ये मेरा फाइनल, ये जो बाहर वाला ये रूम है, ये गेस्ट रूम है, इसको अभी दिखाता हूँ, उससे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मेरी पार्किंग एरिया है, जहाँ पे मेरी फोर व्हीलर टू व्हीलर पार्क होगी। यहाँ पे मैंने ये गार्डन एरिया बनाया है, इसको मैंने ओपन कर दिया पूरा ऊपर तक, आप देख रहे होंगे ऊपर होंगे, वहाँ पे जो सेकेंड फ्लोर पे जो है जाके सीधे मिला हुआ है, और सेकेंड फ्लोर पे ये मेरा गेस्ट रूम है गाइस, और ये दीवार को जो है मैंने थोड़ा सा शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे लाइट लगा दी है, फोकस लाइट जो दीवार के ऊपर फोकस करती है, बहुत प्यारी लाइटें लग रही है। इधर भी है, इसके अलावा इधर भी लाइटें हैं, ये भी है, ये भी है, इसके अलावा बहुत बहुत प्यारा लगता है, रात में काफी अच्छा लगता है, यहाँ पे काफी लाइटें होती है तो काफी अच्छा लगता है देखने में काफी। यहाँ पे भी ये पार्किंग एरिया है, ये ऊपर भी लाइट्स मैंने यहाँ पे भी लगाई है, ऊपर पार्किंग एरिया में भी लाइट्स लगाई है, काफी अच्छा लुक आता है। उसके बाद आपको एंट्रेंस गेट लेके जाते हैं, अपने गेस्ट रूम का जो गेट है उसके पास लेके चलते हैं। आ जाओ गाइज, आप देख रहे होंगे ये हमारा जो है फर्स्ट गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम है ये, बाहर वाला रूम यानी गेस्ट रूम है, और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, सबके लिए कोई भी मिलना चाहेगा तो वो उसके लिए सबसे पहले इन्हीं लोगों के लिए रूम बनवाया है। फ्रंट लुक ऐसा है, वहां पे भी एक लाइट लगी, बाकी जो फॉल लाइट होता है वहां, यहाँ पे मैंने ये प्लाई वाला काम करवाया, प्लाई के साथ माइका उसे पेस्ट करा के यहाँ पे घास लगवाई है मैंने, कार्पेट वाली, काफी अच्छी लग रही है, इससे काफी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे। और अब चलते हैं पहले रूम में, आ जाइए आ जाइए। एंट्री करते हैं तो सबसे पहले ये पहला रूम आ गया गाइस। गाइस मैंने यहाँ पे जो है एक फोर सीटर सोफा बनवाया है, और एक सेंटर टेबल है मस्त, यहाँ पे काफी अच्छा लगता है बैठने में। और यहाँ पे बस एक चीज की कमी है, इस रूम में मैंने एसी नहीं लगवाया है, फैन दोनों लगवा दिया, यहाँ फैन वगैरह लग चुके हैं गाइस। और ऊपर का जो आप देखना है, ऊपर दिखाना, तो ऊपर दिखाना, हाँ ये गाइस फॉल सीलिंग है, इसमें अंदर लाइट लगवाई है, इसका कलर जो है आप बताना कि आपको कलर कैसा लग रहा है यहाँ का फॉल सीलिंग का दिखाना। और यहाँ के जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं गाइस, ये सारा सब कुछ जो है मैंने डेकोरेट किया, ना ही किसी इंटीरियर डिजाइनर को मैंने कॉन्टेक्ट किया, ना ही कुछ किया, बस लाके वर्कर को दे दिया, काम करवाया मैंने, खुद करवाया, मैं कोई इंटीरियर डिजाइनर को नहीं बुलाया, यदि कोई गलती भी होगी तो समझ जाना कि कोई नया बंदा ने काम करवाया, सच में सारा काम मैंने खुद से करवाया। सो गाइस, इस रूम की सबसे खास बात यह है कि वेंटिलेशन काफी अच्छा है इस रूम का। अब यहाँ से मैंने यूपीवीसी की खिड़की लगवाई, इसको ओपन किया मैंने, यहाँ पे मस्त यहाँ पे सामने गार्डन का लुक आता है, यहाँ पे सुबह सुबह बैठ के चाय पियेंगे ना गाइस, और सामने जो आपको पार्क दिखेगा कितना आनंद आएगा, अच्छा लगता है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, पार्क में भी काफी अच्छा लगता है देखने में, काफी लुक को एनहेंस करता है। यहाँ पे बैठिए, आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पीजिए, बाहर का एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैंने टीवी पैनल बनवाया है, और इसका कुछ ऐसा लुक आ रहा है, यहाँ पे भी टीवी मैंने लगवाया नहीं है, ये टीवी पैनल, इसके ऊपर भी टीवी को फिट कराना है, अभी टीवी मैं लूंगा, आप सजेस्ट करना, कमेंट करना कौन सी कंपनी की टीवी लूं जो आपको अच्छी लगती हो। ये डिजाइन में काफी अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने इसको बनवाया है यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे कमी लगी, अभी बेड पे गद्दा नहीं है गाइस, अभी ये बेड सीट है बट इस पे जो है अभी गद्दा नहीं लाया हूँ, मैंने ऑर्डर दिया है, अपने साइज के हिसाब से ऑर्डर देके ले सकते हैं, तो मैंने अभी ऑर्डर करा है इसके लिए, और इसका जो मेजरमेंट उसके हिसाब से मैंने ऑर्डर दिया है, वो गद्दा आ जाएगा, इसके ऊपर गद्दा लगा देंगे यहाँ पे।
गेस्ट रूम से गाइस यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको दिखाते हैं क्या है। हाँ, यहाँ पे यदि आप एंट्री करते हो गाइस, यहाँ एंट्री करते ही सबसे पहले ये बाहर वाला दरवाजा है गाइस। यहाँ से जो है आप घर में जो है घर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे घर में जाने के लिए अलग से मैंने जो है गेस्ट वगैरह के लिए जो है बाहर ही कर दिया, ताकि कोई गेस्ट अंदर ना जाए, क्योंकि घर पे अंदर फैमिली अपनी कैसे रहती है कैसे नहीं रहती है, तो इसलिए जो है हमने वो अंदर जो है कुछ नहीं किया, गेस्ट वगैरह के लिए सब कुछ बाहर कर दिया। गेस्ट वगैरह लोगों के लिए सबके लिए मैंने बाथरूम तक बाहर बनवा दिया, ताकि गेस्ट यहीं से नहीं अपना जो है घर से बाहर से ही बाहर निकल जाए। सीढ़ियों के नीचे एक चीज किया है, यहाँ पे मैंने सू रैक बनवा दिया, इसके अंदर सू रैक सूज वगैरह रखने के लिए ये चीज बनवाया है। और यहाँ से एंट्री करते ही मैं घर की एंट्री है, यहाँ से यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, दरवाजा कौन यहाँ पे एंट्री करते ही यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, अलग से यहाँ पे वॉश वगैरह कर सकते हैं, बेसिन है। और वॉश बेसिन के अलावा इधर जब एंट्री करते हैं तो यहाँ से आते बाद यहाँ पे जो है गाइस ये स्टोर रूम है, यहाँ पे स्टोर रूम है, यहाँ से अंदर आने के बाद ये लॉबी है। सो गाइस सबसे पहले आपको दिखाते हैं लॉबी की फॉल सीलिंग, ये है गाइस लॉबी की हमारी फॉल सीलिंग। और ये बस 20 की लाइट ऑन किया, अभी साइड वाली लाइट ऑन नहीं किया मैंने, क्योंकि बिजली बिल ज्यादा आएगा ना, इसलिए 20 की लाइट ऑन किया बस मैंने। और ये जा रहे माचा लेके आ रहे, कहीं कुछ लेके आ रहे नहीं, पियो हमें नहीं पीना है। और ये हनी है, आपको पता है ये विराट है, दिन रात इन लोगों को कुछ खाने के लिए पीने के लिए नहीं तो खेलने के लिए बैट बॉल यहीं पे खाना है इनको, लॉबी के अंदर यहीं पीना है, इसके अलावा इनका बैट बॉल यहीं पे फीका हुआ है, कहीं भी फेंक दे रहे हैं भाई साहब, घर के बच्चे हैं थोड़ा, तो बच्चे आपको पता है नटखट होते हैं। तो ये हमारा सोफा है, देखो एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, इनका पैर गंदा है पूरा सोफे को गंदा कर रहे हैं भाई साहब। ये कॉफी के अलावा जो है ये सेंटर टेबल है, ये सोफा है, नियर अबाउट ये 8-9 सीटर सोफा है, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 सीटर सोफा है गाइस ये। और ये सेंटर टेबल, इसके अलावा दो कॉफी है यहाँ पे भी है। और दीवार पे मैंने थोड़ा सा लुक को एनहांस करने के लिए यहाँ पे मैंने वो बीट लगाई है गाइस, बीट। और बीट के अलावा ये UPVC की बीट है, तो इसमें स्टेप है जो आपको दिख नहीं रहे हैं, शायद दिख रहे होंगे। और ये इसके बाद फिर गोल्डन स्ट्रिप लगाई है हमने। ये कुछ लॉबी का लुक ऐसा है, और लॉबी मेरी काफी बड़ी है गाइस। इसके अलावा लॉबी में ही मैंने यहाँ पे मिरर लगवाया है, इधर एरिया है कॉमन एरिया मैंने लगवा दिया ग्लास, ताकि अच्छा रहे कोई वहीं से अपना कोई ड्रेसअप सेटअप कर ले। और इसके अलावा मैंने जो है ये है रूम, और रूम के लिए रूम का जो दरवाजा है उसके साथ साथ उसको पाइलिंग करवाया, ताकि लोग दरवाजे का जो है काफी ग्लो करे, इसलिए मैंने यहाँ पर दरवाजे को पाइलिंग भी करवा दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। रूम है, ये रूम है, पेड़ का हेड है। इसके अलावा यहाँ पे कंबल अभी जो है बाबी ने बिछाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी गद्दा किसी रूम में जो है अभी गद्दा लगा नहीं हुआ है, यहाँ पे जो कंबल बिछा के ये लोग अभी सो रहे हैं। इसके अलावा ये बेड का हेड है गणेश, बेड का ये हेड है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे गद्दा वगैरह लगेगा, बेडशीट लगेगी, तो थोड़ा सा लुक बेड का अच्छा हो जाएगा। और बेड है, बेड के अलावा बेड में साइड टेबल, बेड का साइड टेबल है। इसके अलावा यहाँ पे एक वार्डरोब है छोटा सा, अंदर काफी गहरा है। और यहाँ से रूम से बाहर निकलेंगे तो रूम से बाहर निकलते हैं लॉबी है, फिर लॉबी के जस्ट बगल में इधर आना, लॉबी के जस्ट बगल में यहाँ पे गए बाथरूम है, बाथरूम है आराम से, यहाँ पे जो है आराम से बाथरूम जो है लॉबी से बाथरूम में एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट। जस्ट बगल में इधर इधर में दिखाना, लॉबी के जस्ट बगल में मैंने यहाँ पे किचन एरिया है ओपन मैंने रखा है किचन को, और यहाँ पे ये चिमनी है किचन के अंदर, ये वार्डरोब, ये सब जो है क्या बोलते हैं वार्डरोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये किचन का जो है रैक रैक बना हुआ है, यहाँ पे सामान वामान रखने के लिए ये चीज बनवाया है, नीचे भी है। और यहाँ पे जो है अपना उसके हिसाब से जितने भी चीजें होती है किचन में रखने के लिए, बर्तन वगैरह सब कुछ बनवा दिया है यहाँ पे। ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे जो बर्तन वगैरह धुलेंगे यहाँ से धुल के यहीं पे बर्तन यहीं पे पैक हो जाएंगे, इसके अंदर बैरल रखने की व्यवस्था है, दिख रहा है दिख रहा है सब चीज, ये जो ये बर्तन वगैरह धुल के यहाँ पे रखने की सारी व्यवस्था है गाइस। बर्तनों से थोड़ी सी गर्मी ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पे चिमनी लगवा दिया है, और ये चिमनी यहाँ पे ताकि जो है यहाँ की सारी गैसें बाहर निकल जाए। ये इधर आ जाओ, किचन से भी बाहर निकलने के बाद ये ओपन एरिया, ओपन टू स्काई ओटीएस के टाइप में है, ये एरिया पूरा ओटीएस टाइप में है, ये ओपन टू स्काई है। और यहाँ पे जो चीजें पूरा ओपन रखा हुआ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी है, ताकि वेंटिलेशन भी अच्छा हो, उसके अलावा लाइट भी गर्मी आए, प्रॉपर लाइट आए घर के पीछे से। तो यहाँ पे मैंने एरिया बनाया, यहाँ पे भी कुछ दिन बाद जो यहाँ पे लेके आऊँगा, क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन लाके मैं यहीं फिट कर दूंगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे नल वगैरह लगवा दिया है ताकि जो यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैं फिट कर सकूँ। इसके अलावा काफी एरिया खाली है यहाँ पे जो है ठंडी के दिनों, यहाँ से सामने से धूप भी आती है बहुत यार, बैठने के लिए भी किचन के साथ साथ मेरा लॉबी अटैच है, आप देख रहे होंगे वहीं से ये लॉबी है, लॉबी में अटैच है किचन से, काफी जो है बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, काफी अच्छा लगता है। सो गाइस यहाँ से जो है यहाँ से ये सेकंड वाला रूम स्टार्ट होता है किचन के जस्ट बगल में एक रूम है, आ जाओ जरा ये।
हम बेड का हेड, ये गाइस बेड का हेड है, काफी लॉन्ग है, हमसे भी लंबा है, हाथ भी हमारा यहाँ तक हो जा रहा है। तो ये बेड का हेड है इस वाले रूम का, काफी बड़ा है, ये मम्मी का हमारे रूम है। और उसके अलावा ये यहाँ पे जो है साइड में लोअर पैनल्स लगवाए हैं ताकि लुक को एनहेंस करें। तो जैसा इसके अलावा इस रूम की भी फॉल सीलिंग आप देखना, ऊपर करो सेम, जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं उस वाले रूम की भी सेम थी, इस वाले भी रूम की सेम है, कुछ ऐसी फॉल सीलिंग है यहाँ पे। फॉल सीलिंग काफी हमें अच्छी लगी, काफी प्यारी लगी है, कलर भी करेक्शन काफी अच्छा है, जिससे हम बहुत प्यारा लगता है। पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा है, बट सामने से तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और गए जब यहाँ से भी रूम से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद बाहर निकलते ही आपको सीधे लॉबी में एंट्री मिल जाएगी। लॉबी में, लॉबी कॉमन एरिया है जहाँ पे बैठ के आप आराम से यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं, आराम से बैठ के यहाँ पे न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं आप, यहाँ पे आराम से बैठ के आप सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे पार्क में बात करते हैं, जो पार्क से मजा आ जाएगा। यहाँ पे पार्किंग गार्डन थोड़ा सा अच्छा लगता है, सामने बैठे लाइव पर आता हूँ, इसके अलावा यहाँ से ऊपर चलते हैं, आ जाओ। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे मैं आते यहाँ पे जो है मैंने लगवाया था क्या, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं ताकि अच्छा लगता है। यहाँ पे ग्लास की रेलिंग है, यहाँ पे ग्लास की रेलिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगवाए हैं हमने, और प्लांट्स यहाँ पे भी है। इसके अलावा इस साइड में प्लांट्स हैं, खड़े जाओ, यहाँ पे भी पीओपी है, यहाँ पे भी है। कुछ दिन में यहाँ पे सोफा वगैरह रख देंगे तो यहाँ पे सामने बैठने के लिए काफी अच्छा रहेगा, गर्मी के दिनों में यहाँ पे पूरा ओपन है, यहाँ से इधर आना, ये एरिया पूरा ओपन है गाइस, इधर से पूरा ओपन है, अच्छी हवा आती है, अच्छा वेंटिलेशन होता है यहाँ से। गाइस यहाँ पे मैंने रेलिंग लगवाई है, रेलिंग मैंने ओपन कर दिया, यहाँ से आप जो है आराम से गार्डन को भी एंजॉय कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ डायरेक्ट गार्डन का लुक आता है यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ पे खड़े खड़े आप गार्डन में भी बैठ खड़े होकर देख सकते हैं, शाम के टाइम काफी अच्छा लगता है देखने में, नीचे से लेकर ऊपर तक जो एक अच्छा लुक आता है, यहाँ पे बहुत प्यारा लुक आता है यहाँ से। तो और यहाँ से खड़े होकर आराम से गार्डन को एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसी डिजाइन है यहाँ पे काफी अच्छा लगता है, ये चीज़ें काफी अच्छी मैंने सोच सोच के डिजाइने बनाई है। यहाँ पे थोड़ा डस्ट जमा हुआ है क्योंकि बाहर का एरिया है, यहाँ पे डस्ट ऊपर जम जाता है डस्ट, मैंने इसको जो है यहाँ पे सुराही बनवाई, सुराही के ऊपर जो है इस चीज को पिलर को मैंने ऐसा यहाँ पर लुक दिया, यहाँ पे लगता है जैसे पिलर जो है सुराही के ऊपर रखा गया हो, कुछ ऐसे ऐसे लुक्स मैंने क्रिएट किया, इस चीज को काफी दिमाग लगाया, सोचा तो बना। यदि आपको हमारा घर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे चैनल को, और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी आपको हमारा घर कैसा लगा आपको? आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाभी, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, भाभी को भी अच्छा लग रहा है, और आप छोटू तुमको अंकल अच्छा लग रहा है भाई, ये दो दिन से आए हुए हैं यहाँ पे, इतना मस्ती कर रहे हैं। और हाँ गाइस, कल का वीडियो एंजॉय करना ना भूलना आप, कल हमारा गृह प्रवेश का वीडियो कल मैं डालूंगा, उस वीडियो को आप भी एंजॉय करना, गृह प्रवेश हमारा हो चुका है बट कल उस वीडियो को मैं डालूंगा, और उस वीडियो को आप पूरा देखना और काफी शेयर करना, उसमें भी सपोर्ट देने दिखाना। कल हमारे जो गृह प्रवेश में जो पूजा वगैरह हुई थी, दीदी वगैरह सब लोग आए थे वहाँ पे, तो उस वाले वीडियो को कल मैं दिन में 11 बजे डालूंगा, कल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मेरा नेक्स्ट वीडियो अगले दिन 11 बजे आएंगे, तो गृह प्रवेश की वीडियो देखना, और इस वीडियो को भी देख लिए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक्स कर दो, और अपने फैमिली को जो है शेयर कर दो, फैमिली कंटेंट ही आएंगे यहाँ पे ब्लॉग वाले हमारे चैनल पे, ठीक है, एंजॉय कीजिए, बाय, आप अपना एंजॉय कीजिए, ओके।